नमस्कार, मैं हूं विवेक और वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान में 200 सीटों के लिए 7 दिसंबर को वोटिंग होनी है। बीजेपी की प्रदेश मुखिया वसुंधरा राजे झालरापाटन से मैदान में है, तो उसी सीट से कांग्रेस ने प्रत्याशी के तौर पर पूर्व बीजेपी विधायक मानवेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। गौरतलब है कि मानवेंद्र सिंह की पत्नी चित्रा सिंह ने भी नामांकन दाखिल किया था, लेकिन वो खारिज हो गया, जिसके बाद से वो अपने पति मानवेंद्र सिंह के लिए जमकर प्रचार कर रही हैं। जानकारी के मुताबिक पत्रकारों से बात करते हुए मानवेंद्र सिंह की पत्नी ने कहा कि वसुंधरा राजे जैसी नेता के सामने चुनाव लड़ने से प्रदेश में मानवेंद्र सिंह का कद बढ़ेगा। इस बात से मानवेंद्र को भी गर्व है। चित्रा सिंह ने कहा कि उनके परिवार को सबसे ज्यादा वसुंधरा राजे सरकार ने परेशान किया। भ्रष्टाचार तानाशाही इस सरकार की खासियत रही और इस पर आलाकमान ने भी कोई सुनवाई नहीं की। वहीं खुद के चुनाव लड़ने पर चित्रा ने इसे कार्यकर्ता की मंशा बता दिया और कहा कि जमीनी कार्यकर्ताओं को भी बराबरी का मौका मिलना चाहिए। बता दें कि 7 दिसंबर को राजस्थान में मतदान होने हैं, वहीं 11 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। हालांकि इससे पहले राजस्थान में हुए सर्वे में बीजेपी की सरकार राजस्थान से जाती दिख रही है, वहीं वसुंधरा राजे को भारी नुकसान होता दिखाई दे रहा है। हालांकि सियासत के खेल का कोई पता नहीं कब कहां और कैसे पलट जाए। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही।